अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रवे का हलवा मेरे स्टाइल से। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे। ये मैंने एक वाटी घी ली हूँ। घी डालने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे एक वाटी रवा। अभी हम रवे को 5-6 मिनट तक के अच्छे से भूनेंगे। हमें चम्मच से चलाते ही रहना है ताकि हमारा रवा जो है चारों तरफ से अच्छे से भून जाए। रवे को हमें धीमी आंच पर ही भूनना है। देखिए रवा 5-6 मिनट भून कर ले ली हूँ मैंने। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़े से कटे हुए काजू और डालेंगे थोड़े से कटे हुए बादाम। अब इन सारी चीज़ को हमें अच्छे से भूनना है तब तक के इसका रवे का कलर चेंज नहीं हो जाता, और हमें धीमी आंच पर ही इसे भूनना है और चम्मच चलाते ही रहना है ताकि हमारा रवा जो है चारों तरफ से अच्छे से लाल हो जाए। देखिए रवे का कलर चेंज हो चुका है, काजू बादाम भी अच्छे से लाल हो चुके हैं। अभी हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर और इसको मिक्स करेंगे। इलायची मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे एक गिलास पानी और साथ ही में हम डालेंगे पीला कलर और डालेंगे एक वाटी शक्कर और इन सारी चीज़ को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसके ऊपर ढक्कन ढककर इसको 5 मिनट के लिए दम के लिए रख देंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसे चेक करेंगे। चेक करने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच गुलाब पानी। गुलाब पानी से इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और रवे का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। इसे मिक्स करेंगे। गुलाब पानी अच्छे से मिक्स होने के बाद हम वापस से इसके ऊपर ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक करेंगे। रवा हमारा अच्छे से पक चुका है। रवे में खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अभी हम इसके ऊपर थोड़े से मनुके डालेंगे और गैस को बंद कर देंगे। माशाल्लाह देखिए रवे का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना रवे का हलवा कैसे बना। अल्लाह हाफिज़।